आज का शिरडी साइंस संदेश। मेरे बच्चे, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो ना? हर परिस्थिति का डट कर सामना करो। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट कर भी खुद को संभालना जानता हो, तो आप इसका मतलब बहुत मजबूत हो। परमात्मा ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, उन्होंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दी है कि तुम हर मुश्किल का सामना खुद कर सकते हो। तुम्हें किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ परमात्मा के सहारे पर विश्वास रखते हो। बस ये वक्त की बात है मेरे बच्चे। वो ईश्वर को पता था कि तुम्हारे जीवन में मुश्किल रास्ते आएंगे, पर उन्होंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम बिना किसी सहारे के जीवन में आगे बढ़ना जानते हो। उस मालिक को कभी भी गलत मत समझा करो मेरे बच्चे। अगर तुम जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हो, समस्याएं आ रही हैं तुम्हारे जीवन में, दुख सह रहे हो, तो पीड़ा मालिक को भी होती है, उसे सब पता है। बाकी हमारे कुछ पिछले कर्मों का भी हिसाब होता है जो हमें भुगतना ही पड़ता है। यदि आज मुश्किलों का सामना कर रहे हो जीवन में, तो कल खुशियाँ भी आएंगी जीवन में। इन मुश्किलों से कभी घबराना नहीं, ये तुम्हें असली नकली रिश्तों की पहचान भी कराएगी। कम उम्र में ही तुमने जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव अकेले ही झेले हैं, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जिंदगी ने तुम्हें छोटी सी उम्र में ही बहुत जिम्मेदार बना दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। शौक अक्सर उन्हीं के कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये जीवन का अनुभव तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ही ले जा रहा है। क्यों रोते हो मेरे बच्चे? जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करके तो देखो। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर 10 और नए रास्ते बना देता है। और हमेशा याद रखना, जिसका कोई सहारा नहीं, उसको वो ईश्वर सहारा देता है। कोई आपको पसंद करे या ना करे, आप अपने परमात्मा के बहुत ही प्रिय हैं और यही आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर ज़िंदगी में भगवान नहीं आए तो ज़िंदगी में पाया ही क्या? और यदि भगवान आ जाए ज़िंदगी में तो पाने के लिए बचा ही क्या? तो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाला वो ईश्वर, वो परमात्मा स्वयं है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से हमेशा जीवन में दूर रहिए। आपकी जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करिए। आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम भविष्य की बहुत चिंता कर रहे हो। भविष्य के बारे में बार बार सोचकर दुखी होते हो, चिंता करते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो सब अच्छा ही होगा। ज़्यादा चिंता करते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जब भी मन ज़्यादा दुखी या विचलित हो, तो मेरा नाम जाप करो, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन शांत भी रहेगा। जितना ज़्यादा खुद को व्यस्त रखोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। खाली बैठकर उल्टे सीधे ख्याल मन में आते ही जाते हैं। जब भी मन पुरानी बातें सोच सोच कर परेशान होने लगे, तो अपने मन को वहां से हटाकर किसी कार्य करने में व्यस्त कर लो। इससे तुम्हारा मन भी नहीं भटकेगा। मुझे मालूम है अतीत में तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने बहुत ही बुरा करा है, और जिन्होंने भी तुम्हारा बुरा किया है ना, उन्हें अपने कर्मों का भुगतान इसी जन्म में भुगतना भी होगा। लेकिन तुम किसी को कोई जवाब मत देना। तुम अपने संस्कारों को मत भूलना। अपने आप को संभाल कर रखो। मुझे पता है ऐसे वातावरण में खुद को संभालना बहुत ही कठिन है, लेकिन कोशिश करते रहो मेरे बच्चे। तुम तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। तुम एक बलवान व्यक्ति हो, मेरे निडर बच्चे हो। तुमने अपनी जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना खुद ही किया है, और मुझे मालूम है तुम आगे भी हार नहीं मानोगे। तुम बहुत ही बहादुर हो, ये कभी मत भूलना। मैं तुम्हारा साथ हमेशा यूं ही देता रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे
और तुम्हारे परिवार के साथ है। तुम्हें मैं आज नहीं आने दूंगा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।